देश और दुनिया के बीच गोवा अपनी विशेष पहचान रखता है। कुछ ऐसी ही पहचान इन दिनों उदयपुर शहर में गोवा के मटकों ने भी बनाई है। यहाँ पर आकर्षक डिजाइन और आकारों में गोवा की मिट्टी से बने मटके काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल गोवा की मिट्टी से बने मटके बाजारों में आए हैं, जो ग्राहकों को खास तौर पर लुभा रहे हैं। व्हाइट मिट्टी से बने यह गड़े काफी ज्यादा मजबूत हैं, जिसमें पानी भी काफी ज्यादा ठंडा रहता है, जो ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इसके साथ ही इन पर आकर्षक डिजाइन की हुई है, जो घर में भी एक सुंदर सा दिखाई देता है, जो ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और कीमतों की अगर बात की जाए तो इनकी कीमत करीब 200 रुपए से 400 रुपए के बीच है। गोवा के यह मिट्टी के मटके विशेष मिट्टी से बने हुए हैं, जो सफेद कलर के हैं, जिसमें पानी अधिक ठंडा रहता है और इसकी उम्र भी ज्यादा है। करीब 2 वर्ष तक इन मटकों का प्रयोग किया जा सकता है। आमतौर पर मेवाड़ में प्रयोग किए जाने वाले मटकों की उम्र करीब 6 महीने रहती है, लेकिन इन मटकों का प्रयोग करीब 2 वर्षों तक किया जा सकता है। ये गोवा के मटके पानी के मिट्टी के बने हुए हैं, ठंडे पानी के हैं और डिजाइन अलग अलग डिजाइन के बने हुए हैं। बाजार में इसकी बहुत डिमांड है और पहली बार आए उदयपुर में। सभी साइज के 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर में उपलब्ध है। क्या कुछ खासियत है ये डिजाइन वाले मटके? खास मिट्टी के बने हुए, ठंडा पानी रहता है इसमें बिल्कुल। ऑर्डनरी मिट्टी से अलग बने हुए, ठंडा रहता पानी। कीमत की बात की जाए तो ये 250 से स्टार्ट है, 250 300 400-500 तक के मटके हैं और अलग अलग डिजाइन में उपलब्ध है। 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर क्या फर्क है, मतलब जो अपने यहाँ लोकल मटके होते हैं और इनमें क्या फर्क होता है? लोकल मटके की मिट्टी अलग आती है, इसकी मिट्टी अलग आती है। व्हाइट मिट्टी के बने होते हैं और ठंडा रहता पानी इसमें।